विवाह स्पेशल है। सबके जीवन में विवाह का कुछ विशेष महत्व होता है। जब साधारण लोगों का विवाह होता है उनके परिवार वाले देख आनंदित होते हैं, पर यदि किसी स्टार की शादी हो पास के घर के बुजुर्ग भी उसके बारे में पूछ आनंदित होते हैं। ऐसे 2016 में हुई स्टार मैरिजेस की एक स्पेशल कवरेज है यह। कम लेट्स एंजॉय द मैरिज फोटोज ऑफ सम ऑफ द आर्टिस्ट। इस वर्ष के आरंभ में मतलब जनवरी 15 से लेकर 23 के बीच में हुई शादियों के बारे में देखते हैं। आइए, शरण कुमार जिन्होंने इनिद फिल्म में एक्टिंग की, उन्होंने मेघा के साथ प्रेम विवाह किया। अरवान और न्यान क्रिकन जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाली अर्चना कवि मलयालम कॉमेडी एक्टर अभिस मैथ्यू से विवाह करती हैं। ओके, यह जनवरी में हुआ। फरवरी की जोड़ियों को देखें। फरवरी 3 को अमरावती फिल्म से अजीत कुमार के जोड़ीदार के रूप में इंट्रोड्यूस हुई। विजय के साथ भी कई फिल्में करने वाले संघवी सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक एन वेंकटेश से बेंगलुरु में विवाह करती हैं। उसी महीने में कर्नल लड्डू तिंगिया आसैया और वालिब राजा फिल्म में एक्टिंग करने वाले डॉक्टर सेदुरामन उमा से विवाह करते हैं। उसी महीने 24 तारीख को तेलुगु अभिनेत्री अर्जुन के साथ एड़मले फिल्म में काम करने वाली गजाला बॉलीवुड फोटोग्राफर और अभिनेता फैजल रजा खान के साथ विवाह करती हैं। अमला पॉल सुंदर, सयानी और दिखने में बड़े ही शांत स्वभाव दिखती हैं। अमला पॉल दिखने में ही केवल शांत लगती है, पर जब वे बाहर निकलती हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी अट्रैक्शन पाती हैं। वो अट्रैक्शन ही है उनकी विजय। उनके लिए जान तक देने वाले फैंस की सेना बनाने वाली एटम बॉम्ब है वे। सिंधु समवेली फिल्म में उनका इंट्रोडक्शन हुआ। इस किरदार को यदि दूसरी किसी भी लड़की ने निभाया होता बड़ी हीरोइन वो बन ही नहीं सकती थी। सेकेंड हीरोइन, आइटम सॉन्ग या साइड हीरोइन जैसे छोटे छोटे रोल करते, शादी करके बच्चों के साथ कहीं सेटल हो जाते। पर अमला पॉल भाग्यशाली हैं, जैसे तैसे कर इधर उधर कर विजय रथ पर सवार हो ही गईं। बड़े बड़े हीरो के साथ, विजय विक्रम के साथ जोड़ी बनाने जितने मेहनत के साथ साथ बुद्धिमानी से वह मुकाम हासिल किया है। केवल यही नहीं, तेलुगु मलयालम कन्नड़ा फिल्मों में हर बड़े हीरो के साथ काम करके अपने लिए एक बड़ी फैन फॉलोइंग तैयार कर ली है। एक डायरेक्टर थे एपी नागराजन। यदि वे क्रिएट ना करते केवल फोटो में दिखने वाले परमशिवन को क्या कोई रूप मिल पाता? उन्होंने शिवाजी को शिव के रूप में प्रस्तुत किया और पूरी दुनिया ने माना भी। डायरेक्टर विट्ठल आचार्य यदि वे क्रिएट ना करते भूत प्रेत मोहिनी की आत्मा कैसे दिखते हैं शायद कोई नहीं जान पाता। रोमांटिक फिल्म तो श्रीधर, पारिवारिक फिल्में तो भीम सिंह, एक्शन मूवीज तो कृष्णन पंजू, प्रोटेस्टिंग मूवी तो एसएस वासन और एलिसर दुंगन, गंभीर फिल्म तो एसी त्रिलोक चंदर, डाउन टू अर्थ मूवी तो एम तिरुमुगम, अलग मूवी तो विनय एस बालाचंदर, नए युग की फिल्म तो के बालाचंदर, रेवोल्यूशनरी मूवीज तो पुट्ट नकनगल, रियलिस्टिक मूवी तो भारतीय राजा, शिष्ट फिल्में तो के भाग्यराज, बड़े बड़े सेट तो टी राजेंदर, मिस्चीवियस मूवी तो आर पार्थिभन, सोसाइटी फिल्म तो एस एस चंद्रशेखरन, सोशल फिल्म तो शंकर, सेंटिमेंट फिल्म विक्रमन, थ्रेट मूवी तो आर के शिवमणि। ऐसे तमाम डायरेक्टर्स अपनी आदत के चलते सफलता को नहीं चख पाए क्योंकि उन्हें भी सक्सेस मंत्र समझ नहीं आया। क्योंकि देखिए, डायरेक्टर श्रीधर की कल्याण परसु हिट थी, अगली फिल्म मिंड स्वर्गो अटर फ्लॉप, के बालाचंद्र की नेरकमुड़ी हिट रही पर अगली फिल्म नानल फ्लॉप, के एस गोपाल कृष्णन की शारदा हिट रही, अगली फिल्म देवतिन देवन फ्लॉप। तो सभी डायरेक्टरों को अपनी स्टोरी और स्क्रिप्ट में हीरोओं को सम्मिलित करना ही पड़ता था। उसे केवल अपने नाम के लिए इस्तेमाल करते हुए अभिनेताओं ने अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए अपनी बड़ाई कर बात करते हैं। इसलिए सिनेमा टैक्टिक्स अभी तक बदली नहीं है। किसकी वजह से फिल्म चलती है यह प्रश्न आज भी बरकरार है। धन्यवाद। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो काइंडली लाइक शेयर कमेंट एंड फॉर फर्दर अवर इंटरेस्टिंग वीडियोस सब्सक्राइब अवर चैनल बिलो।